नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। COVID-19 टीकाकरण अभियान के पैन इंडिया रोल आउट के शुभ आरंभ पर प्रधानमंत्री का संबोधन। विज्ञान भवन में किसान संगठनों और सरकार के बीच नवे दौर की हुई बातचीत। भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। भारत में कोविड का रिकवरी दर 96.59% के स्तर पर पहुंचा। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण भारत में COVID-19 टीकाकरण अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरुआत की। ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसे संपूर्ण भारत में एक साथ लागू किया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के शुभ आरंभ से जुड़े इस आयोजन से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वे सभी 3006 स्थान भी जुड़े हैं जहां जहां टीकाकरण होगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं,
वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में। सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए। इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। तीन कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों एवं सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में नवे दौर की बातचीत हुई। इसी मुद्दे को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से बैठक में शामिल होगी और किसानों की शंकाओं को दूर करेगी। आइए देखते हैं इस वार्ता में क्या कुछ निकला। बैठक में सरकार की ओर से केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है, सरकार समिति के समक्ष अपने विचार रखेगी और किसान संगठनों से बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की भी कोशिश करेगी। सरकारों और किसानों के बीच अब अगले दौर की बैठक 19 जनवरी को होगी। तीनों कानून जिसमें 2 नए 1 संशोधित है उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा, सामने रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएँ हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकेंगे। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साहसपूर्वक नए कृषि सुधार कानून बनाए हैं। तोमर ने ये बात नई दिल्ली में 18 जनवरी को भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान द्वारा ग्रामीण स्वयंसेवी संस्थाओं के परिसंघ के साथ आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। आइए देखते हैं। केंद्र मंत्री तोमर ने कहा कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। जब जब देश पर संकट आया तब तब गांवों की परंपराओं व अर्थव्यवस्था ने अपनी शक्ति स्थापित की है। कोविड संकट में भारत सरकार ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया। पीएम के नेतृत्व में अनेक कदम उठाए गए हैं। खाद्यान्न में हमारा देश सरप्लस देश है, लेकिन कृषि क्षेत्र में असंतुलन भी है। बड़े व छोटे किसानों की परिस्थितियां भिन्न है, इसीलिए छोटे किसानों को सरकार की योजनाओं, सब्सिडी, MSP, टेक्नोलॉजी, मार्केट लिंक आदि के लाभ देने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। कृषि सुधारों को लेकर लंबे समय तक कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, किसान संगठनों व अन्य विद्वानों ने काफी मंथन किया है।
स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमेटी भी बनी और काफी विचार विमर्श के पश्चात कृषि के क्षेत्र में कानूनी बदलाव लाने की जरूरत महसूस करते हुए ये नए कानून लाए गए हैं। कानून पहले भी अपेक्षित थे, लेकिन पहले की सरकार दबाव प्रभाव में आगे नहीं बढ़ पाई। पीएम मोदी ने साहस पूर्वक कदम उठाया व दो नए कानून बनाए एवं एक में संशोधन किया, जिन्हें संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों की दशा दिशा बदलने वाले, उन्हें कानूनी बंधनों से मुक्ति देने वाले, फसल का वाजिब दाम दिलाने वाले, महंगी फसल की ओर आकर्षित करने वाले, FPO व फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने वाले हैं। देश भर में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि MSP खत्म होने जा रही है, लेकिन सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि MSP जारी रहेगी, बल्कि MSP पर खरीद भी बढ़ाई गई है। श्री तोमर ने कहा कि किसान हितैषी भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए चौतरफा कदम उठाए हैं। देश के कृषि बजट को 5 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। वर्ष 2013-14 में कृषि बजट लगभग 27,000 करोड़ रुपए था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 1,34,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांव-गांव पूंजी निवेश होगा, जिससे किसानों को काफी सहूलियत होगी, वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसमें कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के 50,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज भी सहभागिता करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि द्वारा पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ सीधे किसानों के खातों में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं, जिससे लगभग 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। बीते 11 माह में लगभग 1.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं एवं इन पर करीब 1,57,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण किसानों को स्वीकृत किया गया है। 10,000 FPO बनाने की स्कीम प्रारंभ की जा चुकी है, जिन पर 6,850 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत में कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है, जो कि लगभग 50 गुना अधिक है। लगभग 8 महीनों के बाद रोजाना होने वाली मौत की संख्या भी घटकर 145 रह गई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट देखते हैं। देश में ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 1,02,11,342 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,012 है। देश में लगभग 8 महीनों के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से कम मरीजों की मौत दर्ज हुई है। 15 राज्यों में कोविड से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 13 राज्यों में 1 से 5 दैनिक मौत हुई है और 4 राज्यों में 5 से 10 दैनिक मौत होने की जानकारी मिली है। केरल में एक दिन में सबसे अधिक नए मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमशः 2,342 और 855 नए मरीज ठीक हुए हैं। केरल में सबसे अधिक संख्या में नए मामलों की जानकारी मिली है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्रमशः 3,081 और 745 नए मामले दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र में 50 लोगों की मौत हुई है, जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में क्रमशः 21 और 12 मौत के नए मामलों का पता चला है। तो अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि कानूनों के बारे में, कैसे लाभ इनसे मिल सकता है किसानों को। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। खेती किसानी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, इसी को ध्यान में रखते हुए 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। आइए देखते हैं क्या लाभ मिल सकता है इससे किसानों को।
कृषि कानूनों के अंदर कोई कमी नहीं है। ये कृषि के जो कानून बने ये किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले होंगे और आने वाले समय में किसानों की इनकम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। इस बिल के अंदर किसानों को आज़ादी मिली है, किसान अपनी मनचाही वस्तु को मनचाही स्थान पर मनचाही व्यक्ति को बेच सकता है और इससे किसान को उचित मूल्य मिलेगा। पहले किसान अपनी ही मंडी के अंदर बेच सकता था जो उसके नज़दीक की मंडी होती थी, इसके अतिरिक्त वो दूसरे स्थान पर नहीं बेच सकता था जिससे उसको रेट नहीं मिलती थी, क्योंकि जो आढ़ती होते थे वो सब एक दूसरे के साथ मिले हुए होते थे और किसान को मूल्य नहीं मिलता था। लेकिन अब एक देश एक बाज़ार हो गया है और इसकी वजह से किसान अब जहाँ उसको अधिक रेट मिलेगी वहाँ पर वो बेच सकता है। जिस तरह से एक सुई बनाने वाला है तो वो भी कहीं पर भी बेच सकता है, एक साबुन बनाने वाला भी देश के और विदेश के किसी कोने के अंदर बेच सकता है, तो किसान क्यों नहीं बेच सकता? हमारा धरती पुत्र अन्नदाता है, उसको भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने मनचाही रेट के ऊपर बेच सके। ये कानून पहले लागू हो जाना चाहिए था जिससे किसान को इसका लाभ मिलता, लेकिन पहले की सरकारें ये मादा नहीं रखती थी, न किसानों का हित वो चाहती थी, जिसकी वजह से ये कानून नहीं ला सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की आप और हम सब जानते हैं कि एक ही चाह है कि आने वाले समय में हमारा देश किस तरह से आत्मनिर्भर बने, और देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो किसान को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। इसी दृष्टि से ये कानून लाए गए हैं और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय के अंदर किसान उचित मूल्य ले पाएगा। फसल बोने से पहले वो अपनी रेट को भी निर्धारित कर सकता है कि मेरी फसल कौन सी रेट के अंदर बिकेगी। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो किसान फसल को बेचना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, तो वो 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर पहले ही एग्रीमेंट कर सकता है कि मेरे को मेरी फसल कौन सी रेट के अंदर बेचनी है। और इस कानून के अंदर ये किया गया है कि अगर किसान ने उसके साथ में जो एग्रीमेंट किया है 100 रुपये के स्टाम्प पर कि मेरा अगर उदाहरण के तौर पर अनार है और अनार की रेट उन्होंने तय कर दी कि मैं इस अनार को 30 रुपये किलो के अंदर बेचूंगा उस ट्रेडर के साथ या उस व्यापारी के साथ में, दोनों के बीच में करार हो गया, और उसके बाद में अगर उसकी रेट उस समय जब फसल पकती है और रेट अगर कम हो जाती है, मान लो उसकी रेट 10 या 15 रुपये हो जाती है, तो व्यापारी को जो 30 रुपये में एग्रीमेंट किया तो 30 रुपये के अंदर खरीदना ही होगा, अन्यथा उसके खिलाफ 150% पेनल्टी लगेगी और उसको भरना पड़ेगा और SDM उसको 30 दिन के अंदर पैसा किसान को दिलाएगा। 3 कृषि कानून को लेकर किसान संगठनों एवं सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आइए देखते हैं क्या कहा राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है निश्चित रूप से ये हमारे इच्छा के विरुद्ध है। हम तो चाहते थे कि हमारे जो कानून जो हमने या सदन में जो पास किए उसके ऊपर किसी प्रकार का स्टे नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं, और निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर या आने वाले कल में जो जवाब देश के सामने जो निर्णय लेगा तो हम सब के लिए सर्वमान्य होगा। और रही बात निष्पक्ष कमेटी बनी है और वो कमेटी फैसला करेगी और सभी जो किसान यूनियन के नेता है या देश के अन्य अन्य जो किसान हैं उनसे भी राय ली जाएगी, और सब जगह से राय लेने के बाद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद में जो भी फैसला देगा उसको मानना है सभी देशवासियों को। तो मैं तो सोचता हूँ कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनको अब इस बात को समझना चाहिए कि इस देश के अंदर सिर्फ किसान है वो हम ही किसान नहीं है, इस देश के अंदर अन्य अन्य करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। उन किसानों की भावना को भी वो समझे, क्योंकि देश का कोई भी किसान वो किसान है
और हमारी सरकार है वो ये चाहती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि देश का किसी प्रकार का कोई भी किसान इस बिल को लेकर या इस कानून को लेकर उनके मन में कोई शंका नहीं रहे। इस दृष्टि से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर कुछ किसान यूनियन के नेता और किसान आए हुए हैं उनको भी हम संतुष्ट करें, उसके हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमने उनसे 8 दौर की 9 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिर्फ इस जिद पर अड़े हुए हैं कि ये जो कानून है इनको वापस लिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी अगर इस कानूनों में उनको कोई शंका है तो उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार खड़ी है। और जब ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जो किसान यूनियन के नेता आए थे उनके मुद्दे तो अब बहुत पीछे रह गए। जो उन्होंने जब शुरुआत की थी और पहली और दूसरी और तीसरे दौर की जब वार्ता हुई थी उस समय तक तो उनका एक ही इच्छा थी कि इन कानूनों के अंदर संशोधन हो, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो SDM के पास में सुनवाई हो रही है उसको सिविल कोर्ट के अंदर भी सुनवाई करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी हमने सहमति दी कि जो किसान अगर सिविल कोर्ट में जाना चाहता है तो सिविल कोर्ट में जाए, वो अगर कोई SDM कार्यालय में जाना चाहे तो SDM कार्यालय में जाए। ये हमारी मंशा इसके पीछे यही थी कि जो SDM के पास में सुनवाई होती है तो उसका निर्णय फास्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट या सिविल कोर्ट जो होता है वहाँ पर अगर कोई जाता है तो उसमें समय लगता है, तो किसान को न्याय मिलने में देरी हो जाती है। तो इसलिए हमने इस कानून के अंदर यही रखा था कि SDM उसको 30 दिन के अंदर फैसला सुनाए, वरना व्यापारी तो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है लेकिन किसान बेचारा कहाँ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटेगा, कहाँ वकीलों की वो फीस भरेगा। इसलिए हमने उसको अंदर रखा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसान यूनियन के नेता कहते हैं नहीं तो हम तो वहाँ पर भी जाना चाहते हैं, तो जाइए आपकी जो इच्छा है वहाँ पर जाइए। तो ये कानून के अंदर हमने उनको एक पहला जो कह दिया। फिर उन्होंने कहा पराली के विषय पर, तो हमने पराली के लिए भी कानून के अंदर कह दिया कि पराली के अंदर जो आने वाले जो ये कानून है उसके अंदर संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए यस कर दिया है। और साथ ही जो बिजली का विषय था तो उसके ऊपर भी हमने कह दिया कि जो आने वाले समय में जो बिल है उसके अंदर ये कानून नहीं आए, तो उसकी भी हमने सहमति जता दी है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो प्रारंभिक मुद्दे थे उन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया और अब वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि ये बिल है इनको वापस लिए जाए। तो मेरा ये कहना है कि देश के करोड़ों करोड़ किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को वो समझे, उनकी बात को समझे और उन किसानों को समझने की कोशिश करे। बाकी रही बात, प्रधानमंत्री जी तो एक ही चाहते हैं कि चाहे किसी प्रकार का कोई भी किसान है वो असंतुष्ट नहीं हो इस कानून को समझ को लेकर। इसीलिए हम लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और उनको इस बात के लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो यूनियन के नेता हैं कि वो करोड़ों करोड़ किसान हैं वो जो समर्थन कर रहे हैं उनको भी समझो, और इस बिल में कहीं आपको संशोधन की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार है वो खड़ी है। और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो सबको मानना है। तो आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।